नमस्कार दोस्तों, माइंड दी हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी लेकर के आया हूं किस प्रकार से आप naukri.com पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं या फिर अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे आप naukri.com पर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आ जाना है गूगल पर और आपको यहाँ पर सर्च करना है naukri.com। यहाँ पर सर्च करने के बाद पहला ही रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, naukri.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, इस तरह से कुछ वेबसाइट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर की ओर चले जाना है और रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। रजिस्टर के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, एक पेज आपके सामने इस तरह का खुल करके आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको अपना पूरा नाम, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और नीचे आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि क्रिएट करना है। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर देंगे। तो जो भी आप मोबाइल नंबर डालना चाहें डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, आई एम एक्सपीरियंस्ड एंड आई एम फ्रेशर। दोनों में से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप करंट सिटी सेलेक्ट करेंगे और आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड रिज्यूमे का नीचे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एक रिज्यूमे है तो अपलोड करेंगे, नहीं तो आप रजिस्टर नाउ पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। हमारे पास रिज्यूमे हमने अपलोड कर दिया है, अब हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं। देखिए, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक वेरीफिकेशन मोबाइल वेरीफिकेशन कोड आया है यहाँ पर, OTP, तो यहाँ पर हम उसको डाल देंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी मोबाइल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। और वेरीफाई करने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको एजुकेशन कुछ डिटेल डालनी पड़ेंगी, जैसे कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है और आपने कोर्स टाइप क्या है, मतलब फुल टाइप था क्या था, पासिंग ईयर क्या है, स्किल्स क्या है। यहाँ पर पहले से बहुत सारी स्किल्स आपके, अगर आपका अगर रिज्यूमे अपलोड हुआ होगा, अगर आपने रिज्यूमे अपलोड किया होगा तो यहाँ पर आ जाएंगी, नहीं तो आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स डाल देनी है। जो भी आपकी स्किल्स हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। सो, चलिए हम यहाँ से कुछ स्किल्स को रिमूव कर देते हैं और जो जो स्किल्स चाहिए वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रिज्यूमे हेडलाइंस पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि जब भी कोई भी कैंडिडेट आपका रिज्यूमे सर्च करे naukri.com पर तो उसको क्या लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, वो यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक सजेशन भी आ गया है, जॉब सीकर विद BSc इन मैथ करेंटली लिविंग इन दिल्ली। यानी कि जो हमने रिज्यूमे में डाला था वो यहाँ से ले लिया है, यानी कि हमारी क्वालिफिकेशन आ गई है, हमारी लोकेशन भी इसने पकड़ ली है। और उसके बाद देखिए, प्रीफर जॉब टाइप क्या है, फुल टाइम परमानेंट जो भी ढूंढ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन क्या रहेगी आप, और आपका जेंडर क्या है, ये सब डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपका जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अब जाना है फिर से अपने नाम के ऊपर, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए, क्लिक जैसे आप नाम के ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारी डिटेल्स आपकी खुल करके आ जाएंगी, जो जो चीज़ें आपने डाली होंगी। अब यहाँ पर देखिए, आपसे ईमेल वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ईमेल वेरीफाई रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे, एक लिंक आएगा आपके ईमेल पर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें और भी अभी डालनी है। तो यहाँ पर नीचे आपको पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी होंगी, जिसमें कि आपको डालना है अपना एड्रेस, अपना जेंडर, जो जो चीज़ें आपने पहले नहीं डाली हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर देखिए, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं सबसे पहले, उसके बाद परमानेंट एड्रेस और जेंडर, जैसे कि हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर चलिए हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद परमानेंट एड्रेस डाल देंगे पूरा, और उसके बाद नीचे कैटेगरी का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप कौन सी कैटेगरी चाहते हैं, यानी कि कास्ट। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप डिफरेंट एबल यानी कि विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो ही रहने देंगे। और नीचे आपको ऑप्शंस कुछ दिखाई देंगे, इनको आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लैंग्वेज ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं। तो यहाँ से देखिए, आप लैंग्वेज डाल सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं क्या क्या आपको आता है, रीड राइट स्पीक। तो जो जो चीज़ें आपको आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से नीचे आपको टिक बॉक्स पर क्लिक करके इस तरह से और सेव पर क्लिक कर देना है। और भी अगर आप लैंग्वेज आप जानते हैं तो आप इस तरह से टाइप करके और सेम वही प्रोसेस आपको कर देना है।
इसके अलावा आप इसमें कितना आप को ये लैंग्वेज आती है पूरी डिटेल यहाँ पर आप डाल देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। बस यहाँ पर आपका Nokia.com का प्रोफाइल हो चुका है सेव। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसी तरह से आप इस छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।